बुधवार को स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से किसानों को नुकसान की भरपाई मिले इस मांग को लेकर शहर में आंदोलन किया गया। किसानों को 25,000 रुपए नुकसान भरपाई केंद्र ने देनी चाहिए, साथ ही अन्य मांगों को लेकर बुधवार को स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके निवास स्थान पर भव्य मोर्चा निकाला गया। संविधान चौक से शुरू ये मोर्चा पुलिस द्वारा वही रोक दिया गया। पुलिस ने सभी आंदोलनकर्ताओं को अपने हिरासत में लिया। अचानक हुए इस पहल से कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस के इस रवैये का आंदोलनकर्ताओं ने विरोध किया। उनका कहना था कि आंदोलन की अनुमति ली गई थी, इसके बावजूद पुलिस की ओर हमें हिरासत में लिया गया है। प्रयत्न केलेला आहे, आम्ही त्यांना विनंती करत होतो की आम्ही लोकशाही मार्गाने नितिन गडकरी साहेबांच्या घरावर चाललेलो आहे। त्यांनी जोर जबरदस्तीने अमानवीय पद्धतीने हातापाई करून या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना अटक केलेली आहे। हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे, हे पोलीस प्रशासनाला आणि सरकारला शोभत नाही। याची आम्ही वरिष्ठांकडे 100% ह्युमन राईट्सकडे दाद मागणार आहे। हे अत्यंत चूक आहे। लोकशाही मार्गाने जर आम्ही आंदोलन करतो आणि आम्ही सांगून आंदोलन करतो तर अशा पद्धतीने आंदोलन दडपायला नको होतं। आम्हाला शिवाजी महाराजांच्या गणविकाव्याने सुद्धा आंदोलन करता येतं। आज महात्मा गांधीच्या मार्गाने आलो, उद्या भगतसिंगाच्या मार्गाने आल्याशिवाय राहणार नाही, यांना आमचा इशारा।